सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5। और दोस्तों, यह हमारा GTA 5 का सेकंड मिशन होने वाला है। हमने पहले मिशंस को ऐसे ही खेल करके कंप्लीट कर दिया था और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड मिशन स्टार्ट हो चुका है और वहां पर देख पाओगे सामने लमार खड़ा है और यहाँ पर फ्रैंकली दौड़ करके जा रहा है। इसको एक मिशन दिया गया है और उस मिशन में इसको इन दोनों कार को छुड़ानी है। तो चलिए इस कार को छुड़ाते हैं। तो हम इस रेड वाले कार को ले लेते हैं। वैसे व्हाइट वाला कार भी बहुत ही अच्छा होने वाला था, लेकिन हम इसको नहीं लिया। चलिए हम रेड वाले कार को यूज करने वाले हैं और इसको हम दोनों को सीक्रेट तरीके से इन दोनों कार्स को लेकर के यहाँ से भागनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले तो कार में हम बैठ चुके हैं, इसका सनरूफ भी हटा चुके हैं। अब देखें इसको कैसे क्या करना। हमको इसको फॉलो करना है लमार को, क्योंकि मैं अभी सेकेंड चोर हूँ, मैं अभी नया नहीं हूँ। तो उसको हमको फॉलो करना है लमार को। लमार जहाँ जहाँ जाएगा वहीं हमें भी जाना है, क्योंकि लमार ही मेरा चीफ मानिए तो एक तरह से है और वो मेरा सीनियर भी होने वाला है। तो उसको तो भाई तो उसी को हमको फॉलो करते 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 जाना है। चलिए देखते हैं कहाँ वो जा रहा है। पहले सबसे पहले तो हमको तो अभी लगातार उसी को फॉलो करना है। और भाई वो इतना तेजी में जा रहा है, मैं क्या बताऊँ आप सभी को। लेकिन कोई नहीं, मैं भी कार चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, तो देखता हूँ मैं हालांकि उससे आगे तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो जब तक आगे जाएगा तभी मैं उसके साथ जा पाऊंगा। तो कोई नहीं, हम उसके सिर्फ पीछे पीछे चलने वाले हैं। ओ भाई साहब, चलो कोई नहीं। और वैसे भी इस कार को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यह कार ऑटो रिपेयर में ऑन है और ये 100% बुलेट प्रूफ है, तो उसको कुछ होने वाला है नहीं। तो देखो यार, मेरा स्पीड अभी 154। भाई हट जा आगे। ओ भाई साहब, क्या बात है। चलो कोई नहीं, गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ऑटो रिपेयर में है, इसको कुछ होगा ही नहीं कैसे भी करके हमको। चलो कोई नहीं। और इधर हम आ चुके हैं फिल्म सिटी की तरफ। भाई साहब, ये फिल्म सिटी का एरिया है और इसमें भी हमें अभी बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करनी है। तो ये फिल्म सिटी है, देखो भाई यहाँ पर शायद शूट सीट क्या बोलते हैं उसको यार, सीन शूट हो रहा है। चलो कोई नहीं, फिल्म सिटी में सीन ही तो शूट होगा। कोई नहीं, अभी हमको बस लमार के साथ ही जाना है। भाई साहब, ये कहाँ लेकर के हमको जा रहा है बंदा, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भाई साहब, वो सीधे भी तो आ सकता था, ऐसे घुमाने की क्या जरूरत थी। कौन सा पीछे पुलिस है कि दिक्कत होने वाली है। चलो कोई नहीं, अभी हमको लगातार उसी के साथ जाना है। और पता नहीं हमसे कुछ बात भी करा, लेकिन हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आपसे बात करने में लगा हुआ हूँ। ओ भाई, देखना। ओ भाई साहब, क्या ही मस्त वाला जंप मारा भाई। ओ हो, अरे भाई साहब, ओ भाई हट जा यार, अभी मैं नया हूँ। चलो कोई नहीं भाई साहब, भाई अब हमको उसको छोड़कर भी तो नहीं जाना है ना। कहाँ चला गया वो बंदा। चलो आगे है। मैं बंदे को भी उड़ा दे रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, गेम है। सामने रियल रहता तो उसका कुछ बात होता कि चलो भाई, रियल में थोड़ा सा डर वर होता है, लेकिन अब गेम में भी डरे तो ये कैसी बात है नहीं। चलो अब भाई साहब, वो कहाँ चला गया इस तरफ। ओके, यहाँ आप मैप में देख सकते हो, उसी मैप में हमको उसे फॉलो करते हुए जाना है। और ये बंदा भाई हमको मतलब पूरा आज एक्सपीरियंस करा देगा गाड़ी का। भाई साहब हट जा, नहीं तो मैं फिर से उड़ा दूंगा। ये कहाँ जा रहा भाई, ये भी रोड है क्या भाई। ये पार्किंग वगैरह है, लेकिन हमको इसी में एंटर करना है। चलो अच्छी बात है, और भी हमें आगे की तरफ जाना है। भाई साहब, ये हॉस्पिटल वगैरह। ओह भाई साहब, चलो कोई नहीं, अभी हम हारने वाले नहीं है। और यार, हमको ये गाड़ी लेकर के जाना कहाँ है, हमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। भाई यार, अब ये पलट जाएगा। हाँ चलो, अभी देखो इसका शीशा टूट गया, लेकिन फिर से ये रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि ये कार ही वैसी है। और हमें जाना कहाँ है भाई साहब, मैं रास्ता शायद से भूल चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, वो भाई साहब आ चुका हूँ। देखो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही लमार आ चुका है और शायद से यहाँ ये लोग कुछ आपस में बात करने वाले हैं। अब क्या बात करेंगे हमको नहीं पता। ये लोग आपस में बात कुछ ज्यादा ही करते हैं, वो भी अडल्ट टाइप का। तो भाई साहब, पुलिस भी पीछे पड़ चुकी है, अभी हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो भाई, निकलो। अरे भाई, मेरे लिए तो रुको, हमें बंदा छोड़ करके भाग गया यार। और ये ओ भाई, और ये बोला है कि पुलिस से पीछा खुद छुड़ाओ। मैं तो खुद ही नया हूँ, लेकिन कोई नहीं भाई साहब, अभी देखो कितना सारा पुलिस का गाड़ी आ चुका है। लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ से जा सकता हूँ और मैं बहुत ही आगे जा सकता हूँ। देखो भाई साहब, हर जगह पुलिस ही पुलिस है, अभी हमको पुलिस से पीछा छुड़ाना ही सबसे बड़ी बात है। और जब तक मैं पुलिस से पीछा नहीं छुड़ाऊंगा, तब तक ये मेरा टास्क होगा नहीं। और लमार मुझे छोड़ करके भाग गया, लेकिन कोई नहीं भाई साहब,
कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेरे कार को ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला। देखो भाई साहब पूरा पीछे अभी टू स्टार्स की पुलिस मेरे पास लगी हुई है, मेरे पीछे लगी हुई है, क्योंकि हम दोनों ने एक एक कार को चुराया है। लेकिन कोई नहीं, सबसे पहले जो मेरा काम है वो पुलिस से छुटकारा पाना है, तो चलिए कोशिश करते हैं बहुत जल्द। वैसे पुलिस भाई साहब अभी पुलिस चली ही जाएगी शायद से, हमको लग रहा है, क्योंकि उसका स्टार देख पाओगे कभी चल रहा है कभी ऑफ हो रहा है, तो शायद से चला जाएगा अभी पुलिस। हम वैसे भी पुलिस के पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं भाई साहब, मरवाओगे क्या? चलो कोई नहीं, हमको यहाँ से पहले बहुत आगे तक जानी है, और ये बहुत ही सिंपल टास्क हमको लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी फाइट हमको नहीं लेना है हर्जा भाई, हमको सिर्फ इसमें पुलिस से छुटकारा पानी है, और उसके बाद ये मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा और ये कार अपनी हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, पहले तो यहाँ से पुलिस से छुटकारा पाना ही बड़ी बात है। भाई साहब हम कार चला कैसे रहे हमें खुद ही नहीं पता चला। देखो भाई इधर, ओह ओ भाई साहब, कोई नहीं कोई नहीं, पुलिस के हाथों तो नहीं आने वाले, ये तो है, लेकिन कोई नहीं, अभी हमको जितना जल्दी हो सके बहुत आगे तक जाना है भाई साहब। आंटी गई, चलो कोई नहीं, अब पुलिस शायद से ही रहेगा मेरे पीछे, वो चला जाएगा। वैसे मैप में अभी भी शो कर रहा है कि पुलिस मेरे पीछे ही है, लेकिन मेरा काम है अभी पहले पुलिस से जितना जल्दी हो सके मैं बहुत आगे तक चला जाऊं, ताकि पुलिस मेरा पीछा छोड़ दे और फिर जो भी मेरा टास्क होगा वो आगे पता चलेगा। तो भाई साहब अब शायद से पुलिस यहाँ से चली गई है, थोड़ा देर और हमको आगे तक जाना है और फिर देखते हैं। भाई साहब आगे भी पुलिस है क्या? आगे भी डॉट लग रहा है कि आगे भी पुलिस है। देखो भाई साहब आगे भी मेरे लिए ही पुलिस पड़े हुए था, लेकिन कोई नहीं। देखो भाई अभी भी अगर मैं पुलिस के साथ पुलिस के हाथ आ गया तो ये मेरा मिशन फेल हो जाएगा, लेकिन भाई मैं फेल होने नहीं दूंगा। आगे भी देखो भाई साहब पुलिस है, लेकिन कोई नहीं, हम मिशन फेल नहीं होने देंगे। भाई साहब कितना देर तक पुलिस हमें दौड़ाएगी हमें तो खुद ही पता नहीं चल रहा। हर्जा भाई ने तो मैं सबको उड़ाने वाला हूँ, हर्जा। अब शायद से पुलिस हमारे यहाँ से चली जाएगी हमको लगता है यार उस समय। ओ भाई साहब अभी तो पीछे ही पड़ गया भाई, अब मैं देखना क्या क्या करने वाला हूँ, कितने को उड़ाऊंगा कोई नहीं जानता। मेरा दोस्त मत देना भाई साहब, क्योंकि तेरे ही सर की पुलिस है। देखो ये नंगी पंगी पड़ी हुई है बीच पे, लेकिन कोई नहीं सबको चढ़ा दूंगा भाई साहब। भट जा बेटे, ये देखो अब मेरा कोई गलती नहीं, क्योंकि यार तेरे सर की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रोक ले। देखो आगे से भी भाई साहब मेरे पीछे पुलिस आई हुई है, लेकिन कोई नहीं भाई, ये कार के लिए इतना कौन दौड़ाता है भाई साहब। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कार सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है यार, मतलब टूटती ही नहीं है, पता है, इतना एक्सीडेंट कर दो फिर से आप देखोगे तो कार पूरा जस के तस जैसा देखो वैसा ही नया नया। लेकिन कोई नहीं यार, कब तक मेरे पीछे पुलिस रहेगी भाई साहब? देखो अभी भी मेरे ही पीछे पड़ी हुई है, चला जा भाई, अब एक ही शायद है, लेकिन मेरा टास्क फेल हो चुका है, क्योंकि मैं जा करके कंटेनर को ही उड़ा दिया और वो ब्लास्ट हो चुका है। लेकिन कोई नहीं, मैं इसको फिर से करना चाहूँगा और फिर से मेरे पीछे पुलिस होगी, ये तो हमें भी पता है भाई साहब। ये फिर से वहीं से स्टार्ट हो गया जहाँ से मैं अभी इसको छोड़ करके गया था, तो जहाँ से मेरे पीछे, ओ भाई साहब ये मुझे गोली भी मार रही है पुलिस। अरे यार भाई साहब ये कार के लिए गोली कौन मारता है भाई? हट जा भाई, गजब है यार। चलो कोई नहीं, एक बार मेरा टास्क फेल हो चुका है, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ये टास्क पूरा हो जाए, ठीक है, क्योंकि यार फ्रैंकलिन ही मर गया है तो टास्क तो फेल होगा ही। लेकिन इस बार मैं बहुत आगे तक चला जाऊंगा, पुलिस से बहुत आगे, मतलब उससे हम कभी उसके पकड़ में नहीं आने वाले हैं। वैसे आगे भी दो दो पुलिस की गाड़ी पड़ी हुई है, लेकिन कोई नहीं, इस बार मैं बहुत भयंकर कार चलाने वाला हूँ और मैं बहुत, ओ भाई, अरे यार मतलब क्या ही गजब, चलते चलते मैं आ जा रहे हो पीछे से यार। लेकिन कोई नहीं भाई साहब, हट जा बेटे, यार हट जा। देखो भाई साहब अभी आगे वाले रूट में भी एक पुलिस है, लेकिन कोई नहीं, हमको बस चलते जाना है, पुलिस से पीछा तो छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी ये मेरा टास्क होगा ही नहीं। तो देखते हैं कब तक, आगे भी दो कार्स लगी हुई है, लेकिन कोई नहीं भाई, मैं रास्ता को काट करके निकला हूँ आगे से। अभी भी एक गाड़ी आगे भी मेरे पुलिस की है, लेकिन कोई नहीं, इस बार मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये टास्क को कंप्लीट करना है। मजाक में मैं अपने इस टास्क को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ इसलिए, ठीक है। तो ये बस जस्ट हो ही चुका है, ओके, हमको थोड़ा देर तक और आगे जाना है। भाई साहब पुलिस जी, क्या मतलब गंदी वाली मजाक हमारे साथ कर रहे हो यार, एक कार के लिए कौन इतना तरपाता है यार, हट जा यार। मैं तो अभी किसी को यार कोई भी मतलब नुकसान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी
चलो भाई साहब देखते हैं कितना आगे तक मैं जा पाता हूँ और कब तक ये पुलिस मेरा पीछा छोड़ेगी भाई साहब। नहीं 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 यार, पता नहीं कब तक ये मेरा पीछा छोड़ने वाली है। कोई नहीं, मैं रास्ते को चेंज करके निकल रहा हूँ भाई साहब। हम रास्ते को चेंज कर रहे हैं और फिर से मैं बीच की तरफ आ जाऊंगा तो फिर से हो जाएगी दिक्कत, लेकिन कोई नहीं, इस तरफ हम सोच से निकल जाते हैं। भाई साहब मेरी कार चलाने की स्किल्स को देख रहे हो आप, समझ रहे हो? कोई नहीं कोई नहीं, अब लगता है पुलिस मेरा पीछा छोड़ देगी। यार किसका किसका कॉल आता है भाई साहब, रुक जा यार भाई साहब, कहीं फिर से ना मिशन फेल हो जाए। ओ भाई, वैसे भी सो गाइस फाइनली पुलिस ने हमारा पीछा छोड़ दिया है। अब यह जो येलो डॉट आपको मैप में दिख रहा है, हमको इसे फॉलो करते करते जाना है लमार के पास, क्योंकि लमार मुझे ये लोकेशन भेज दिया है और लमार शायद से वो सेफली पहुंच चुका है, लेकिन मुझे जाना है। और देख पाओगे पुलिस मेरे पीछे से हट चुकी है, अब पुलिस मुझे कुछ नहीं करेगी, बस अब हमको इस गाड़ी को सेफली उस जगह तक पहुँचानी है जहाँ पर वो लमार अभी मुझे ये लोकेशन दिया है। भाई साहब रास्ते मुझे कहाँ लेकर के जाएगी? ओके, ओ भाई नहीं, मुझे यार सामने से निकलने पड़ेंगी। हम सोचा इस तरफ से निकल जाएंगे, लेकिन ना निकल पाएंगे। चलो कोई नहीं, इस तरफ से निकल जाएंगे। ओके, तो इधर से हमको कट जाना है। जैसा कि आप यहाँ मैप में देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको लोकेशन शो हो रहा है मैप में, देखोगे यहाँ पर आपको एक बार और दिखा दे अच्छे से। ओके, जेट करके देखो, ये मुझे इसको ही फॉलो करते जानी है। भाई साहब जरा साइड दे दो मुझे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है जाने के लिए। तो गाइस यार फाइनली अब हम अपने लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं और यहीं पे हमें अपने इस कार को डिलीवर भी करनी है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और इस कार को डिलीवर करते हैं और फिर हमको चलने हैं अपने घर को। तो भाई साहब हट जा। तो फाइनली यहां पर ये कार डिलीवर हो चुका है और यहां पर अब हमको चलना है यहां से। अभी देखोगे यहां पर लमार पहले से ही आ चुका था, यहां पर देखो। चलो कोई नहीं भाई साहब, तुमसे आके जरा मैं मिल लूं। Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the? चल भाई, हो गया तेरा बहुत सारा भाषण। अब यहाँ से हमको चलनी है अपने घर, तो चलिए फटाफट से यहाँ से लेते हैं कार को। ओके, चल भाई, भाई लमार जल्दी आ, ना तो मैं छोड़ के निकलने वाला हूँ यहाँ से। चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अब चलना हमें फ्रैंकलिन के हाउस पे, ठीक है, एंड वहीं पे जाने के बाद ये हमारा मिशन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं सेफली ड्राइव कर लेता हूँ। ओके, एंड चलता हूँ अपने हाउस पे। ओके, और ये हमारा फर्स्ट मिशन है भाई साहब, क्या ही मजा आया मुझे ये खेलने में GTA 5। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि आपको GTA 5 कैसी लगती है और इसकी वीडियोस देखना कि आप लोगों को अच्छी लगती है, जरूर आप हमें कमेंट करके बताना। और ये हमारे चैनल पे एक न्यू सीरीज होने वाली है, हम लोग ऐसे GTA 5 की बहुत सारी वीडियोस डालने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, आपको GTA 5 की ढेरों सारी वीडियो देखने को मिलेगी। तो फाइनली ये फ्रैंकलिन का हाउस है, तो इसी में इसको इस कार को पार्क करनी है, क्योंकि ये इसी गरीब का कार है। तो चलिए इसमें पार्क कर चुके हैं और ये फाइनली हमारा यहाँ पर मिशन डन हो चुका है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट मिशन होगा, उसमें हम सभी को और भी बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप चैनल पे हमारे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आप सभी को ऐसे GTA 5 की बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती रहेगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिएगा। मिशन पास्ट हो चुका है, देख पाओगे फ्रैंकलिन एंड लमार। ओके, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।